हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू विल बी फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। सो एज़ यू नो, योर समर वैकेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट। सो इट्स योर समर वैकेशन होमवर्क। जैसे कि आपकी समर वैकेशन शुरू होने जा रही हैं, तो इसलिए मैंने आपका ये होमवर्क तैयार किया है। फर्स्ट चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट, लर्न द फॉलोइंग पोएम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी मैरीगोल्ड जो इंग्लिश की बुक है, उसमें आपकी फर्स्ट पोएम आइसक्रीम मैन, इसके बाद टीम वर्क, देन माई शेडो। ठीक है, माई शेडो, ये तीनों जो पोएम्स हैं ये आपको लर्न करनी है। तीनों पोएम्स को अच्छे से लर्न करना है और इनके पोइट का नाम भी। सेकेंड, हम चलते हैं, रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली एंड राइट 5 न्यू वर्ड्स फ्रॉम इट ऑन A4 साइज पेपर। ये देखिए, A4 साइज पेपर पे आपको इसमें से न्यू वर्ड्स लिखने हैं। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके पास नहीं आता है, तो आप फिर कोई भी इंग्लिश की कोई बुक हो आपके पास, आपके ब्रदर या सिस्टर की, वो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ए पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, फॉलोइंग टॉपिक्स के ऊपर आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर के इम्पोर्टेंस के ऊपर आपको लिखना है पैराग्राफ। जैसे कि आप वाटर स्केर्सिटी है कि जगह, कुछ जगह में वाटर बहुत जो है वेस्टेज है वाटर की, तो अलग अलग हैं इसके जो हैं एरिया, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि हमारे लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है और हमें इसको वाइजली कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ट्रीज़ हमें क्या क्या चीज़ देते हैं, है ना, और ट्रीज़ होना कितना ज़रूरी है। तो ये भी आपको 10 से 20 लाइंस तकरीबन लिखनी है एक पैराग्राफ की तरह से इसमें। ठीक है, अगर आप लाइन काउंट करोगे तो इतनी लाइन 10 से 20 लाइंस के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट ए पैराग्राफ ऑन योर डेली रूटीन इन समर वैकेशन। इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है अपने डेली रूटीन का। ठीक है, कि समर वैकेशन में आपका डेली रूटीन क्या है। ठीक है, ये आपका जैसे भी आप सुबह मॉर्निंग से उठने से लेकर के आपके सोने तक का रूटीन आपको इसमें लिखना है। लास्ट है रिवाइज द चैप्टर्स एंड देयर एक्सरसाइज एंड देयर एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो जो चैप्टर्स हमने रिवाइज किए हैं, जो चैप्टर्स हमने जो है लर्न किए हैं, उन चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है, लर्न करना है, और उनकी एक्सरसाइज को भी। ठीक है, दिस मच ओनली। ओके, गुड बाय।